जय माँ आशापुरा। कर आप देख रहे मातृ गौरव, इस समय में पीपल की वो जहाँ पर माँ आशापुरा का 28वां पाठोत्सव चल रहा है, इस वक्त यहाँ पर माँ की ध्वजा फहरेगी, कड़ी की खुदाई होगी और एक पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है। सबकी आशा पूर्ण करती आशापुरी जिनका नाम है, पीपल की पुण्य धरा पर माँ आशापुरी का धाम है। दर्शन करते आपका नित मिल रहा विश्राम है। ऐसी देवी माँ आशापुरी को कोटि 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 प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आप जो दृश्य देख रही है पीपल की गांव का है, हटा बापू और वीरांगना पानी बाई का गांव है। आज माँ आशापुरी का पाठोत्सव है। यहाँ अमर ध्वजाधारी यहाँ पर मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ा रहे हैं, जबकि यहाँ पर श्रद्धालुओं का निरंतर यहाँ पर आना जारी है। लोग माँ आशापुरी से मन्नत मांग रहे हैं। माँ आशापुरी सबकी मनोइच्छाएँ पूर्ण करती है। प्रतिवर्ष यहाँ पर पाठोत्सव होता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु माँ आशापुरी के धाम सार्वजनिक सम्मान समारोह चलाएगा, व्याख्यान होंगे। पूज्य गुरुदेव राजा राम जी महाराज और गुरुदेव कृपा राम जी महाराज का यहाँ पर आगमन हो रहा है। लोग बाग श्रद्धालु उनकी वधामणी करने के लिए निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सारे श्रद्धालु माँ से आज मन्नत मांग रहे हैं कि माँ सर्वत्र कुरु मंगलम। इस वक्त सत्संग भवन में पूर्व अध्यक्ष पीढ़ी के मूल शंकर जी रावल, जो एक कवि भी है और कुशल वक्ता है, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है
श्री आशापुरी मंगल कलश इस पुस्तक का विमोचन समाज के हाजिर नाजी में गुरुदेव राजा राम जी और कृपा राम जी महाराज के हाथों पर यहाँ पर हो रहा है। सभी में बहुत उत्साह है, आज माँ का पाठोत्सव है, हजारों लोग यहाँ पर पीपल की पहुँच चुके हैं। मूल शंकर जी ने जो मंगल कलश पुस्तक के माध्यम से अपने जो भाव प्रकट किए हैं वो जन जन तक पहुँचे और जीवन सबका कलश अमृत विचारों से भर जाए, उस उद्देश्य से यहाँ पर विमोचन हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आशापुरी पीढ़ी के अध्यक्ष चंपालाल जी सहित विभिन्न इस वक्त यहाँ पर प्रसादालय में महाप्रसाद का कार्यक्रम चल रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर जो पधारे हैं वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है और बहुत ही सुचारू रूप से माँ का पाठोत्सव आज यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। माँ आशापुरी पेढ़ी पीपल की के अंतर्गत रावल ब्राह्मण वेलफेयर सोसाइटी का संचालन फरवरी 2010 से सतत जारी है। वर्तमान में कुल 68 पेंशन जारी है, जिसमें से 54 SBI खाते के तहत ऑनलाइन प्रतिमा जमा हो रही है और 14 पेंशन जो है ऐसी वृद्ध महिलाएं हैं जो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाती, तो उनको हमारे ये पेंशन किसको जाती है? ये ज़रूरतमंद माता बहनों को, जो गंगा स्वरूपा पर भी है, गंगा स्वरूपा विधवा बहनें हैं और जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें जाती है। कुल मिलाकर के प्रति माह 57,400 पेंशन 57,400 की राशि जो है वो वितरित हो रही है। अभी एक यहाँ पे भवन का लोकार्पण हुआ है, अब कितने अतिथि गृह हो गए? कुल मिलाकर के 8 विश्राम गृह हो गए, जो मैं प्रसादन कक्ष के साथ हैं, उसके साथ सत्संग भवन है, विशाल प्रसादालय है, भोजन निर्माण है और अन्य जो है 8 पुरुष और 8 महिला के अंदर प्रसादन कक्ष अलग से भी है। बिजली पानी की पूर्ण व्यवस्था है, 2 बोर हैं, दोनों बोरों में पानी पर्याप्त है। अगर यहाँ पर कोई विवाह उत्सव या अन्य मांगलिक कार्य करना चाहे तो बिल्कुल रियायत दर पर उन्हें पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर आवंटित किया जा सकता है। माँ आशापुरी पीढ़ी पीपल की 28वां वार्षिकोत्सव था, आज संपूर्ण हो चुका है। कल भजन संध्या थी, भजन संध्या में भी बहुत सारी पब्लिक आई और बहुत सब भोजन प्रसादी भी बहुत अच्छी रही और आज भी पूरे 12 शासन के लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया और बहुत ही बढ़िया शानदार आयोजन रहा। आज जितनी भी संस्था थी वो 12 शासन की सब आए थे और सब बहुत खुश होकर गए। इसी के लिए मैं इन सब का बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ।